तो रही दीदी, तुम्हें तो सुनकर खुश होना चाहिए था।
हमारी खुशियों को तो तुम दोनों भाइयों ने पामाल कर दिया है। चालाक लड़की इधर तुम पर जादू चला रही है, उधर कुंदन पर डोरे डाल रही है। दीदी मैं नहीं जानता था सबकी आग में तुम्हें पत्थर दिन बना दिया। इंदिरा के खिलाफ तो तुम दत्तम से जहर उगलती आई हो, मगर देवता स्वरूप भाई पर इल्जाम लगाते भी तुम्हें शर्म नहीं आई। नादान छोकरे, अगर अपने देवता स्वरूप भाई की करतूत देखनी है तो जाकर इंदिरा के हाथ में पड़े हुए प्रेम बंधन के कंगन देख। किस कदर मैला है तुम्हारा दिल। रमेश की तीस साड़ियों पर तो तुम्हें एतराज न हुआ, मगर कुंदन भैया का दिया हुआ तोहफा तुम्हारी आंखों में खटकने लगा। क्यों ना खटके, हमने तुम दोनों भाइयों की खातिर, इस खानदान की आबरू की खातिर, इस घर की इज्जत की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया और तुम लोग इसका ये इनाम दे रहे हो। पढ़ो इस खत को, पढ़ो इस प्रेम पत्र को, पढ़ो जो तुम्हारे देवता स्वरूप भाई ने अपने सपनों की रानी को लिखा है। और अगर इस पर भी यकीन ना आए तो पवित्रता की देवी से जाकर पूछो जो इस घर में मकड़ी की तरह अपना जाल फैला रही है। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते तो मैं अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला खोल दूंगा। चक्कर, तुम्हारे चक्करों के चक्कर में पड़कर मैं खुद चक्कर में पड़ गया हूँ। चक्कर कैसा चक्कर?